बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है जी, विज़िट हम कर रहे हैं इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको D18 भी कहते हैं। और D18 जो है ये बेसिकली D17 जो कि आपका मल्टी व्यू हाउसिंग सोसाइटी GT रोड को टच होता है, और AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी जो है जहाँ पे मोटरवे इंटरचेंज है उसके दरमियान है ECHS इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये भी इसको भी आर्मी मैनेज कर रही है। पुराने तमाम रिटायर्ड फौजी हजरात जो हैं इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कोर के, वो इसको देख रहे हैं सोसाइटी को। यहाँ वहाँ पे ये प्लाज़ा है, प्लॉट का साइज़ है 25x40,000 square feet। और एक बार आपको मैं प्लाज़े का पूरा व्यू बाहर से दिखा देता हूँ। ये 5 story है, जिसमें नीचे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर शॉप्स, ऊपर ये आप देखें तो मेज़नाइन, फिर आपका ये जहाँ पे शेड निकल रहा है ये 1st floor और उससे ऊपर 2nd floor, और फिर एक और फ्लोर है ऊपर ममटी का। सोसाइटी के बायलॉज में अभी तक सिर्फ 5 stories की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पे पिलर निकाल दिए गए हैं कि कल को अगर बायलॉज अमेंड होते हैं और 6 stories की इजाज़त मिल जाती है तो उसकी बेस ऑलरेडी मौजूद है। वहाँ पर एक ममटी बनी हुई है। इस प्लॉट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 3 side corner है, जिस तरह की आप देख सकते हैं। दिस इज़ ये फ्रंट इसका, ये साइड लेफ्ट साइड, और इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर ये सारी पार्किंग है, और फिर इसकी थोड़ा सा आगे जाएं तो ये इसका सारा 150 feet की पार्किंग है। सो ये 3 side corner प्लॉट है आपका। इस सोसाइटी ECHS के अंदर तकरीबन 7 से 8 plots हैं सिर्फ, जो कि 3 side corner है, जिनमें से एक ये भी है। मैं अगर आपको साइड से दिखाऊं तो वैसे सोसाइटी का ज़रा एरिया दिखा दूं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह घर वगैरह मौजूद हैं, ज़्यादा बेहतर व्यू आपको ऊपर से आएगा, उससे आपको सही आबादी का और बाकी तमाम चीज़ों का पता चलेगा। ये बिल्कुल इस प्लाजे के सामने एक और प्लाज़ा है जो बना हुआ है। ये क्योंकि सोसाइटी के बायलॉज अमेंड होकर सिर्फ 3 stories पर रह गया है, तो ये प्लाज़ा सिर्फ 3 stories का है। अब जितने भी प्लाजे इन जो है सेक्टर्स के मरकज़ के अंदर बनेंगे रेजिडेंशियल के साथ, उनकी मैक्सिमम हाइट सोसाइटी ने 3 story इजाज़त दी है। सो ये वाहिद प्लाज़ा है, क्योंकि ये पहले बन गया था बायलॉज अमेंड होने से, कि ये 5 story है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसमेंट का मैं दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 500 square feet की एक बेसमेंट है। इधर पहले एक होटल हुआ करता था, दिस इज 500 square feet। ज़ाहिर है अभी उन्होंने कुछ अर्से पहले होटल वालों ने छोड़ा है, तो उनकी अभी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई, वो जो कि बाद में उतर जाएंगे। ये 2nd basement है। प्लाज़ा अभी थोड़े से पहले कंप्लीट हुआ है, तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल थोड़ा बहुत है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे भी सारा क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये भी 500 square feet की बेसमेंट है। ये शॉप्स हैं 4 ऑन ग्राउंड फ्लोर। ये शॉप अभी अंदर से मैं आपको दिखा देते हैं। ये अभी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी क्लियर्ड आउट। ये एक और शॉप है सेम साइज। ये एक शॉप है जिसके ओनर ने 2 हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्सा आपका ये है, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो एक उन्होंने छोटी सी टक शॉप के लिए जगह दे दी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर देखें तो ये इसका हुड जो है खुल जाता है, और ये बेसिकली एक टक शॉप बन जाती है अंदर। अब मैं आपको ज़रा दूसरी साइड से दिखा दूँ।
ये एक और शॉप है जहाँ पे दो हिस्से पीछे वाली शॉप के हुए थे, ये एक पूरी शॉप है। अब इसकी आपको बैक साइड भी दिखा देते हैं। ये बैक साइड है और ये एक, ये दो और प्लाजों की जगह है पीछे वाली साइड में। अब अंदर की तरफ चलते हैं, सीढ़ियां हैं बैक साइड पे। ये अभी हम आ गए हैं फर्स्ट मेज़नाइन के ऊपर। सबसे पहले ये भी आपको दिखा दें, ये ओनर ने इसको बंद करके एक अलग हिस्सा छोटी सी शॉप बना दी है, बट ये बेसिकली लिफ्ट का एरिया, यहाँ पे लिफ्ट के लिए जगह मौजूद है, लेकिन अभी उसको कवर करके और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना दिया है कि अगर ये ऑफिसर्स हैं तो ऑफिसर्स के बाहर बाहर अगर किसी टी बॉय या रनर वगैरह ने बैठना है या किसी गेस्ट को बिठाना है तो ये उसके लिए जगह है। ये सोसाइटी प्लाजे के ओनर का अपना ऑफिस है, ये वॉशरूम है साइड पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी दूसरा ऑफिस है, लेकिन यहाँ पे अभी ज़ाहिर है वो सामान जो है सारा वो डंप हुआ है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे। ये दोनों फ्लैट्स, इनके अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों ये फ्लैट्स रेंट पे हैं इस वक्त। ये वैसा ही एरिया बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया, सिटिंग एरिया बना हुआ है। ये बेसिकली लिफ्ट का एरिया है, इसको भी बंद करके और इस पर टाइलिंग कर दी है। कल को अगर लिफ्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती भी है, क्योंकि लिफ्ट नॉर्मली 6 फ्लोर से ज़्यादा जो होती है उन पर लिफ्ट होती है मैंडेटरी, तो ये 5 फ्लोर्स हैं, तो जब कभी अगर 6 फ्लोर की इजाज़त मिली तो यहाँ पे लिफ्ट भी लगाई जा सकती है। तो इन दोनों फ्लैट्स का विजिट नहीं हो सकता बिकॉज बोथ आर ऑन रेंट। अब नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे पहले एक ऑफिस हुआ करता था कुछ अर्से पहले तक, एक मार्केटिंग कंपनी थी, उन्होंने अपना ऑफिस खोला हुआ था, बट ये एक कंप्लीट 2-बेड फ्लैट है। इधर वॉशरूम आ जाता है अटैच बाथ, उसके बाद ये आपका लाउंज का एरिया आ गया। दरवाजा बंद कर, ये लाउंज का एरिया आ गया आपके। ये दूसरा रूम आ गया आपका और ये उसका बाथ आ गया। ये किचन एरिया बता दिया। अब हम एक बार छत का विजिट कर लेते हैं। इधर से हम आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू एरिया के मैं दे देता हूँ। ये बेसिकली वो एरिया जहाँ पे ममटी है, ये ममटी का एरिया दिया हुआ सारा।
और यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊँ तो ये बेसिकली आपका जो है गेट है मल्टी व्यू हाउसिंग सोसाइटी और इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। ये वो उस तरफ इलाका D17 है, ये सारा D17 है। ये प्लाजा बना हुआ है रेडसन वालों का, ये सारा प्लाजा इस वक्त रेंटेड आउट है या सोल्ड है। और ये एरिया है इस गेट से इस तरफ सारा ये सारा ECHS है। वो दूर आपको रूट स्कूल नज़र आ रहा है, इसको मैं सॉरी, ये है आपका रूट स्कूल ECHS का। तो इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। सो ये बेसिकली एरिया है सारा ECHS। ये जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको पहाड़ी के ऊपर एक पार्क नज़र आ रहा है। इससे भी पीछे वाली साइड पे जाके ECHS का एरिया ख़त्म होता है। ये इस एरिया में अभी आप आबादी का हिसाब किताब इधर से लगा सकते हैं। आपके बिल्कुल सामने आ गया आपका गुलशन-ए-सेहत। इस पहाड़ी से दूसरी तरफ ECHS और गुलशन-ए-सेहत की बाउंड्री मिलती है। इस साइड पे आपकी सारी MVHS के साथ बाउंड्री मिलती है। और मुझे अभी यहाँ पे क्योंकि सामने ममटी है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें ये एरिया सारा ये AWT का एरिया है। ये मैं आपको नीचे जाके किसी और जगह से ज़रा एक बार AWT सही तरह दिखा देता हूँ, उससे आपको सही आइडिया हो जाएगा। तो इस वक्त अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ये जो प्लाजाज बने हुए हैं MVHS के, यहाँ पे इस वक्त जो रेट चल रहा है वो तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार और कुछ प्लाजाज में 28 से 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से शॉप्स सेल हो रही हैं। और जो बाकी ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वहाँ पे 10 से 15 हज़ार के करीब पर स्क्वायर फुट यहाँ पे चीज़ें आपको मिल रही हैं। और AWT में अगर आप जाएँ तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट, और जो शॉप्स हैं वो 20 से 21 हज़ार और बेसमेंट जो है वो 18 से 19 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट मिलती है। सो ये जो प्लाजा जिसकी वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इसको MB1 कहते हैं। इस प्लाजे को जो है उन्होंने प्राइस रखी है, वो रखी है तकरीबन कोई ओवरऑल डिमांड 7.5 करोड़, यानी कि 75 मिलियन, विच इज़ क्वाइट चीप, क्योंकि इस रेट में यहाँ पे कोई भी प्लाजा और अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसी सोसाइटी की अगर थोड़ी सी बैक साइड आपको दिखा दूँ, अगर यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो आपको एक प्लाजा बना नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ECHS के ही नॉर्दर्न एवेन्यू कहते हैं इसको, नॉर्थ एवेन्यू। ये पूरा एरिया जो है कमर्शियल एरिया है नॉर्थ एवेन्यू। सो यहाँ पे काफ़ी प्लाजा बनने शुरू हो गए हैं, एक आपको नज़र आ रहा है, एक और बहुत बड़ा प्लाजा पीछे की तरफ कोई एक किनाल के ऊपर बन रहा है। और ये जो एरिया क्लियर आउट हुई हुई है इस वक्त, ये दरख्त वाला एरिया, यहाँ पे एक और प्लाजा शुरू हो रहा है। सो आज की भी अगर आप देखें तो इधर इस एरिया में जो कॉस्ट है प्लॉट की, वो तकरीबन 4 मरले के प्लॉट की जो 3 साइड ओपन होगा वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपये तक है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक्त 5000 रुपीज़ से लेके 6000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है कमर्शियल प्रॉपर्टी की। एंड ये प्लाजा जो है तकरीबन कोई इस वक्त है 6500 स्क्वायर फीट जो इसका कवर्ड एरिया है। सो उस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो प्लॉट और इसकी प्लाजे की कीमत ही जाके अब तकरीबन कोई 6-6.5 करोड़ के करीब पड़ जाती है। सो डिमांड ओनर की ही 75 मिलियन है, विच इज़ क्वाइट चीप एंड ऑफ कोर्स निगोशिएबल है। आप आएँ इस एरिया को देखें, सारे को सर्वे करें। आबादी इस एरिया में काफ़ी स्पीड से इंक्रीज़ कर रही है। ये प्लाजा जो है ये फॉर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, फॉर हॉस्टल्स
दिस इज़ एन आइडियल लोकेशन, क्योंकि अगर आप देखें, मैं सॉरी जो बताना भूल गया आपको, अगर आप रोड कनेक्टिविटी देखें तो मुख्तलिफ रोड्स आके, अब जैसे इस चेक पोस्ट से रोड जो है वो सीधी आके इस प्लाजे के सामने से गुजरती है, और फिर यही रोड आगे जाके कनेक्ट करती है टू AWT का गेट, जिससे आगे मोटरवे इंटरचेंज है। यहाँ से मोटरवे इंटरचेंज तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पे है, और अगर इधर आप देखेंगे तो इस साइड पे आपका मागला एवेन्यू बन रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो शायद आपको नज़र आ जाए, ये जो ब्राउन पैच आपको अभी थोड़ा थोड़ा ब्राउन पैच नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो हो रही है जहाँ पे मागला एवेन्यू बन रही है। सो इसके अलावा ये सारा एरिया जो है पीछे वाली साइड जो मैंने आपको दिखा दी, ये सारा B17 है, दिस इज़ ऑल B17। अब मैं आपको नीचे जाके ज़रा कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आ जाए AWT। ये देखें जी, ये सारा एरिया जो है ये AWT का एरिया है। AWT में माशाल्लाह अभी काफ़ी आबादी हो गई है, और तकरीबन जहाँ पे मैंने अभी जूम किया हुआ है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ज़रा गाइड कर दूँ सही तरह, मुझे गेट नज़र आ रहा है AWT का, AWT का गेट अभी यहाँ पे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तकरीबन ये एरिया है दरख्तों के पीछे थोड़ा छुपा हुआ है, ठहरें ज़रा, ये AWT का मेन गेट है, यहाँ से आप सीधा जाते हैं इस एरिया में, और इस एरिया में करके कहीं विसिनिटी के अंदर आपका मोटरवे का इंटरचेंज पड़ता है। सॉरी कैमरा कभी कभी जूम में ऊपर नीचे हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। सो ये आपका तकरीबन मेन एरिया है। सो इधर से भी आप एरिया का सही व्यू ले सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है घरों की यहाँ पे, यहाँ से भी रोड कनेक्टिविटी है। बेसिकली ये वो रोड है जो पीछे नॉर्थ एवेन्यू को जाती है।